नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका एक नए वीडियो के साथ। दोस्तों इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ Realme 6i में आप वॉलपेपर कैसे चेंज कर सकते हैं अपने फ़ोन का। तो वॉलपेपर चेंज करने के लिए आपको क्या करना है, अपनी गैलरी में जाना है और गैलरी में से आप अपनी फ़ोटो सेलेक्ट कर लेंगे जो आप वॉलपेपर पर लगाना चाहते हैं। तो जैसे कि मैंने ये वाली फ़ोटो सेलेक्ट कर ली है, तो इसके बाद आपको क्या करना है, मोर ऑप्शन पे जाना है। मोर ऑप्शन पे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे सेट एज वॉलपेपर का ऑप्शन देखने को मिलेगा। आप इसको क्लिक कर देंगे और इसके बाद आप इस पे क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे आपको चार ऑप्शन देखने को मिल जाएगा कि आप लॉक स्क्रीन पे वॉलपेपर चेंज करना चाहते हैं या होम स्क्रीन पे या दोनों पे और या फिर कैंसिल करना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पे होम स्क्रीन पे वॉलपेपर चेंज करना चाहती हूँ तो मैं सेकेंड वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दूंगी और इसके बाद बैक कर दूंगी। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं होम स्क्रीन पे मेरा वॉलपेपर चेंज हो चुका है और मैं यहाँ पे लॉक स्क्रीन पे दिखा देती हूँ आपको कि यहाँ पे ये वाला वॉलपेपर नहीं है, आपका होम स्क्रीन पे वॉलपेपर जो है आ गया है। और इसी तरह से आपको अगर कस्टम वॉलपेपर लगाना है ये वाला हटा के, तो उसके लिए आपको क्या करना है, थीम स्टोर पे जाना है। थीम स्टोर पे जाने के बाद आपको क्या करना है, वॉलपेपर पे क्लिक करेंगे सबसे नीचे तो आपके सामने ये सारे वॉलपेपर ओपन होके आ जाएंगे जो Realme की तरफ से दिए गए हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं Realme ने कुछ अपने वॉलपेपर यहाँ पे लॉन्च कर रखे हैं और मुझे ये वाला वॉलपेपर सेट करना है तो मैं यहाँ पे डाउनलोड पे चली जाऊंगी और इसको अप्लाई कर दूंगी और इसके बाद सेट एज कर दूंगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सेट एज होम स्क्रीन और लॉक स्क्रीन और बोथ, तो यहाँ पे मैं होम स्क्रीन पे सेट कर दूंगी इसे। इसके बाद आप बैक कर लेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं आपका वॉलपेपर जो है चेंज हो चुका है। तो इसी तरह आप कोई सा भी वॉलपेपर लगा सकते हैं अपने मनपसंद के हिसाब से, चाहे वो में से हो चाहे आपके फोन में से हो। तो आपका फोन यहाँ पे देख सकते हैं बहुत ज्यादा कूल लग रहा है देखने में। तो इसी तरह की और भी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल पे विजिट करते रहिएगा। और अगर आपने मेरे चैनल पे पहली बार विजिट किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा ताकि मेरे आने वाले अपडेट्स आपको मिलते रहें। तो चलिए गाइस, मिलते हैं आपको एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।